गाइस वेलकम हो गया आपका अपना सोनम ऑफिशियल चैनल में। तो कैसे हो आप लोग भाई, आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो फिर से लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो रील्स वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मटन। सो आप लोग को मैं मटन दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये है हमारा मटन जो 1 केजी है। हमारा मटन 1 केजी है, तो उसी हिसाब से हमने प्याज ले लिया है, चार प्याज लेकर काट दिया है। तो हमारा आलू, अब हम आलू डाल देंगे। आलू डाल भूज कर निकाल देंगे। और इसमें हल्दी और नमक मिला दिए हैं और अच्छे से इसको हम भूजेंगे, लाल करेंगे धीमी आंच में। तो देख ही रही है आप लोग। मैं सारे आलू को निकाल चुकी हूँ। अब हम प्याज को डाल देंगे और इसे भूजेंगे अच्छे से। हमारा प्याज लाल हो रहा है, प्याज भी लाल हो चुका है। तो हम डालेंगे अब मटर। फोन को दूर कर देते हैं वरना फोन का कैमरा ही खराब हो जाएगा। तब हम इसको भूजेंगे अच्छे से। और नमक मिला देते हैं, इतने से पूरा अच्छी तरह से लाल हो चुका है। तो पहले हल्दी दे देते हैं। ये हमारा नमक, इसको मिला देते हैं। अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे तो इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी मसाला को देते हैं। मसाला में क्या क्या दिया आगे भेजू मैं देखा लेंगी। अभी हम इसको मसाला डालकर अच्छे से भूजेंगे। मसाला डाल दिया है मैंने, अब इसको अच्छे से हम भूजेंगे। इसमें लहसुन और मिर्च और आदि सब मिक्स है, आप लोग देख सकते हो। अब हम इसको पीस लेते हैं। थोड़ा सा हल्का पानी दे दिया। तो ये मसाला मैं डाली थी अपने सब्जी में, और हमारे यहाँ जीरा पाउडर है तो पाउडर वाला मैंने जीरा डाल दिया है इसमें, और मीट मसाला भी डाल देती हूँ इसी में। ये देख सकते हो मीट मसाला है, मैं इसी में डाल देती हूँ उस टाइम डालने का ये ना रहे। सो यही मसाला था हमारे सब्जी का। तो मैंने आलू को लाल करके रखा था जो अभी मैं मसाला के टाइम डाल दी हूँ। सो इसको हम साथ में भूजेंगे अच्छे से। तो
आप लोग देख सकते हो कितना टेस्टी लग रहा है। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे, हल्का थोड़ा भून लेते हैं। तो मैंने कुकर में चढ़ा दिया है और इसमें पानी भी दे ली रही हूँ मैं, ज़्यादा पानी नहीं देंगे वरना ऊपर से ही हो जाएगा पानी फेंकने लगेंगे कुकर से। तो मैं मीडियम पानी दे दी हूँ, अब हम इसको 3 सीटी में उतार देंगे मटन को। तो हम चढ़ा देते हैं, तो हमारा मटन हो चुका है रेडी। तो अब हम खाते टाइम दिखाएंगे। तो फ्रेंड अब हम खाने जा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए। लीजिए आप लोग खा लीजिए सब। अगर आपको हमारा ये वीडियोस अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।